स्टूडेंट्स इधर का टॉपिक है डिप्रेसिव एपिसोड मूड डिसऑर्डर अपना टॉपिक जो चल रहा है उसके अंदर सेकंड आता है डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर देखेंगे अपन डिप्रेशन जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर है डिप्रेशन उसी के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली जो डिप्रेशन है उसका मीनिंग क्या है अगर कोई पर्सन है सोसाइटी से सोशल एक्टिविटीज से फैमिली से आइसोलेट हो जाता है होपलेस वर्कलेस हेल्पलेस नेगेटिव थॉट उसके अंदर आ जाते हैं तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है किसी को भी डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेशन डायग्नोस करने के लिए कम से कम 2 हफ्तों का टाइम चाहिए 2 वीक डायग्नोसिस के लिए चाहिए डिप्रेसिव एपिसोड के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे 2 हफ्तों के अंदर इंटरनली परमानेंट अगर किसी को 2 वीक से डिप्रेशन है तो अपन बोल सकते हैं इसको मेंटल इलनेस है डिप्रेशन की अगर 2 हफ्तों से कम है तो उसको अपन डिप्रेसिव एपिसोड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अपना जो मूड है अपना ऐसा बिहेवियर होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग का भी होता है वो भी कभी कभी डिप्रेशन में जाता है दुखी भी होता है खुश भी होता है तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बट यही अगर परसिस्टेंटली 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से ज्यादा चले तो अपन इसको बोलेंगे डिप्रेशन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन डिसऑर्डर के अंदर देखेंगे दिस इज द वाइड स्प्रेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम मींस ऑल ओवर वर्ल्ड काफी ज्यादा मात्रा में जो डिप्रेशन है उसके शिकार लोग काफी ज्यादा हो रहे हैं अब इसके अंदर भी अपन देखें कि जो मैन है वुमन है उनके अंदर कितना ज्यादा रिस्क है उनके अंदर भी डिफरेंस है क्या डिप्रेशन होने का देखो लाइफ टाइम रिस्क ऑफ इन मैन 8-12% एंड इन वुमन 20-26% महिलाओं के अंदर डिप्रेशन होने का कारण ज्यादा है 20-26% और पुरुषों में 8-12% है इसका मतलब है जो भी विमेंस है महिलाएं उनके अंदर डिप्रेशन काफी अधिक मात्रा में होता है तुलना में मेल कैंडिडेट देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनसेट ऑफ द डिजीज इन मेन 18 ईयर इन फीमेल 20 ईयर 18 साल में मोस्टली बाइपोलर डिसऑर्डर है वो डेवलप हो जाता है और 20 ईयर के बाद मोस्टली फीमेल के अंदर डेवलप होता है अब अपन बात करते हैं कि ये किन किन कारणों से होता है मोस्टली ये मोस्टली लैक ऑफ क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डाइवोर्स एंड सेपरेटेड ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर आपके कोई क्लोज रिलेशनशिप वाला अगर नहीं है जिससे आप अपने पर्सनल कोई भी बातें डिस्कस नहीं कर सकते कोई पर्सन अपने किसी भी क्लोज बातों के बारे में किसी से डिस्कस कर सकता है ऐसा कोई होना चाहिए अगर उसके पास ऐसा कोई नहीं है तो भी उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वेंटिलेशन भी थॉट्स का नहीं होगा तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और मे बी उसका डाइवोर्स हो जाए सेपरेट हो जाए फैमिली कंडीशन ऐसी हो जाए तो भी डिप्रेशन उसको हो सकता है कौन अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डिप्रेसिव एपिसोड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एफ अपन ने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल एफ चैप्टर है साइकेट्री का और एफ के 32 चैप्टर के अंदर आता है मूड डिसऑर्डर और इसके एफ 32 के अंदर अपन पढ़ेंगे डिप्रेसिव एपिसोड एफ 32 के अंदर आता है डिप्रेसिव एपिसोड अब इस एफ 32 को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिप्रेसिव एपिसोड को भी फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है जिसके अंदर 32.0 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 अब इसके अंदर क्या देखते हैं जो 32.0 है वो होता है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड 0.1 होता है मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड देन 0.2 होता है सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विथ इसमें ध्यान रखना सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विद
साइकोटिक सिम्टम्स, विद साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक सिम्टम्स एंड थर्ड पॉइंट थ्री, सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट, इसमें आपको याद रखना है विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। तो अपन ने क्या देखा पॉइंट टू के अंदर जो आता है सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम्स एंड थर्ड वन इज सीवियर depressive episode without psychotic symptoms. Then अपन बात करते हैं other depressive episode, then unspecified depressive episode, then recurrent depressive episode. तो इस तरह से छह पार्ट के अंदर, सिक्स पार्ट के अंदर depressive episode को classify किया गया है, जिसके अंदर mild, moderate, severe, और severe के अंदर भी with psychotic symptom और without psychotic symptom, फिर उसके अंदर other अनस्पेसिफाइड और रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में इसको क्लासिफाई किया गया है F32 चैप्टर के अंदर। ये F32 चैप्टर क्या है, ICD-10 के अकॉर्डिंग, ICD-10 के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बनाया गया है उसके थ्रू अपन पढ़ते हैं F32 चैप्टर के अंदर। F चैप्टर के अंदर साइकेट्री और इसी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं F32 के अंदर आता है डिप्रेसिव एपिसोड, और इसको पूरा क्या किया गया है क्लासिफाई किया गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट है उसका डायग्नोसिस करने के लिए, ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। नाउ द इडियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड के इडियोलॉजिकल फैक्टर्स, किन किन फैक्टर्स के कारण डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इडियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर अपन लेते हैं फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरी, अलग अलग थ्योरीज दी गई है उनके अकॉर्डिंग ये अजम्पशन है या थ्योरीज के थ्रू बताया गया है कि ऐसे इन कारणों की वजह से डिप्रेशन बेसिकली मेनली होता है। तो थ्योरीज के अंदर फर्स्ट थ्योरी है न्यूरोकेमिकल थ्योरी, देन सेकंड है जेनेटिक थ्योरी, थर्ड एंडोक्राइन थ्योरी, फोर्थ वन सर्कैडियन रिदम थ्योरी, फिफ्थ वन इन चेंज इन ब्रेन एनाटॉमी थ्योरी। तो ये पांच तरह की थ्योरी दी गई है इन दी बायोलॉजिकल थ्योरी, इन बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर पांच तरह की थ्योरी दी गई है, इनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है न्यूरोकेमिकल थ्योरीज। इस न्यूरोकेमिकल थ्योरीज के अंदर क्या होता है नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन का जो लेवल है ब्रेन के अंदर डिक्रीज हो जाता है और डिसरेगुलेशन ऑफ द एसिटाइकोलिन एंड गाबा, एसिटाइकोलिन एंड गाबा का डिसरेगुलेशन हो जाता है। दोबारा सुनेंगे न्यूरोकेमिकल थ्योरीज, न्यूरोकेमिकल थ्योरीज के अंदर जो नॉरएपिनेफ्रिन है और सीरोटोनिन है इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है और डिसरेगुलेशन हो जाता है एसिटाइकोलिन एंड गाबा के बीच में। तो ये थ्योरी कहती है कि जो डिप्रेसिव एपिसोड आता है वो इनके कारण आता है। देन सेकंड फैक्टर है जेनेटिक थ्योरी, जेनेटिक थ्योरी किसके अंदर है बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर, बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर जेनेटिक थ्योरी के अंदर देखते हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मींस जैसे कोई कजन ब्रदर है सिस्टर है जो भी है अपने फर्स्ट रिलेटिव है, किसके फर्स्ट रिलेटिव जिसको डिप्रेशन आया हुआ है या जिसको डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो उसके मूड डिसऑर्डर है बाइपोलर डिसऑर्डर है उसके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उनके अंदर सबसे ज्यादा डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखा जाता है तुलना में जनरल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन की तुलना के अंदर उनके अंदर ज्यादा डिप्रेसिव एपिसोड देखने को मिलता है। देन आइडेंटिकल ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर भी डिप्रेसिव एपिसोड देखने को ज्यादा मिलता है। इसमें ध्यान से आप सुनना आइडेंटिकल ट्विन्स, अगर किसी दो आइडेंटिकल चाइल्ड है आइडेंटिकल ट्विन्स है
उनमें से अगर 1% को डिप्रेशन डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन उसको हो गया, मूड डिसऑर्डर उसको हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, तो सेकेंड वाला जो चाइल्ड है उसको 70% चांसेस रहते हैं कि उसको भी डिप्रेशन डिसऑर्डर हो जाए। तो ये जेनेटिक फैक्टर बोलता है। थर्ड वन इज एंडोक्राइन, एंडोक्राइन थ्योरीज। एंडोक्राइन थ्योरीज के अंदर हॉर्मोनल एबनॉर्मलिटी, हॉर्मोनल डिसफंक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं HPA एक्सिस। ये HPA एक्सिस क्या है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल, ये सब की सब जो भी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हॉर्मोन्स काम करते हैं। अगर इस एक्सिस के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी आती है तो ये कॉर्टिसोल है, इनका प्रोडक्शन है जो बढ़ा देते हैं और हार्मोनल एबनॉर्मलिटी कॉज कर देते हैं। तो ये होता है जेनेटिक, सॉरी एंडोक्राइन थ्योरी ऑफ दी बायोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्रिकेडियन रिदम थ्योरी। अब क्रिकेडियन रिदम थ्योरी क्या होती है? क्रिकेडियन रिदम क्या होती है? क्रिकेडियन रिदम का मतलब है वेक स्लीप साइकिल। सोने और उठने का जो क्रम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रिकेडियन रिदम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये क्रिकेडियन रिदम है दिस इररेगुलर हो जाती है तो उसकी वजह से भी इंसोमनिया वगैरह की कंडीशन डेवलप होती है और इनकी वजह से भी डिप्रेशन होने का काफी ज्यादा खतरा रहता है। देन चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी, लास्ट पॉइंट इज चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी। इसके अंदर देखते हैं लॉस ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का ब्रेन के अंदर लॉस होता है। किस पार्ट के अंदर? फ्रंटल लोब के अंदर, देन सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द बायोलॉजिकल थ्योरी, इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द डिप्रेसिव एपिसोड ऑफ बायोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी पर बात करते हैं साइकोसोशियल थ्योरी फॉर डिप्रेसिव एपिसोड। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइकोएनालिटिक, सेकंड इज बिहेवियरल थ्योरीज, थर्ड वन इज कॉग्निटिव थ्योरीज। तो फर्स्ट साइकोएनालिटिक थ्योरी, ये जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है वो फ्रूड ने दी थी और फ्रूड ने इसके अंदर बताया, साइंटिस्ट ने जो फ्रूड ने दी थी उसने बताया कि लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई अपने लव्ड ऑब्जेक्ट है हस्बैंड वाइफ को देता है, किसी मदर की, फादर की डेथ हो गई, सिस्टर की डेथ हो गई, ब्रदर की डेथ हो गई, कोई क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, किसी फ्रेंड की डेथ हो गई या किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट को खो देता है, डाइवोर्स हो गया, तो इसकी वजह से डिप्रेशन होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो किसने दी थी थ्योरी? साइकोएनालिटिक थ्योरी, फ्रूड ने। सेकंड अपन बात करते हैं बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी क्या बोलती है? रिपीटेड लॉस ऑफ इन पास्ट, रिपीटेड लॉस इन पास्ट। अगर पास्ट के अंदर जो लॉस है वो रिपीटेडली हो रहा है, मतलब बिजनेस में लॉस हो गया, घर के अंदर किसी की डेथ हो गई, किसी फ्रेंड ने आपसे बोलना बंद कर दिया, वो आपसे अलग रहने लग गया, ये हो गया, तो ये बिहेवियर थोड़ी बोलती है कि अगर पास्ट के अंदर आपके पर्टिकुलर कई सारे आपको लॉस हुए हैं तो उसके कारण भी आपको डिप्रेशन होने के काफी ज्यादा चांसेस है जो बढ़ जाते हैं। थर्ड वन इज कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी क्या बोलती है? इस थ्योरी के अंदर बात करते हैं कि नेगेटिव कॉग्निशन, जो भी पर्सन होता है वो खुद को नेगेटिव प्रोस्पेक्टस में लेके चला जाता है, उसकी थॉट प्रोसेस है पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता है, वो होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, वर्थलेस हो जाता है, वो अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग है बहुत ज्यादा डेवलप कर लेता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर हो जाता है। तो ये फैक्टर भी
इसके अंदर आता है कॉग्निटिव थ्योरी, और कॉग्निटिव थ्योरी बोलती है कि ये भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर अराइज करने के अंदर हेल्पफुल है। देन अपन बात करते हैं सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी भी इसी के अंदर आएगी, तो लिखा नहीं है सॉरी, फोर्थ वन इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर देखते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। अगर लाइफ के अंदर आपकी स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते ही जा रहे हैं तो ये भी एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कॉज करने में एक प्रमुख कारण बन सकता है। नाउ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दी डिप्रेसिव एपिसोड। क्लिनिकल फीचर्स इसके लिए रिक्वायर होते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए। डायग्नोसिस अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्लिनिकल फीचर्स है वो याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर अपन ने बात की थी कि 2 वीक वो कम से कम अपने को चाहिए अगर डिप्रेसिव एपिसोड को पहचानने के लिए। अगर जो सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स, साइन और सिम्टम्स हैं वो परसिस्टेंटली 2 वीक्स के ज्यादा आ रहे हैं, देन कंफर्मली अपन डिप्रेसिव एपिसोड है जो बोल सकते हैं। अब कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके बारे में अपन डिटेल के अंदर थोड़ा सा देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डिप्रेसिव मूड या डिप्रेसिव सैडनेस, इसको बोल सकते हैं। डिप्रेसिव मूड के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है सैडनेस रहता है, मतलब एकदम दुखी रहता है, वो पूरा लाइफ की थीम है जो उसकी दुखी रहती है। कोई भी अच्छी चीज हो रही है तब भी वो दुखी रहेगा, किसी भी एक्टिविटी के अंदर वो प्लेजर फील नहीं करेगा, प्लेजरेबल एक्टिविटी बिल्कुल उसके अंदर बंद हो जाएगी, कहीं पे भी जा रहा है कुछ भी चीज वो एंजॉय नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेस्ड मूड, सैडनेस की जगह आप डिप्रेस्ड मूड भी कर सकते हो। डिप्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं होपलेस पर्सन है, तो होपलेस हो जाएगा। कॉग्निशन डिप्रेशन कॉग्निशन का मीनिंग है होपलेसनेस, होपलेसनेस डेवलप हो जाएगी। तो होपलेसनेस अगर किसी के अंदर डेवलप हो गई तो वो अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी मैरिज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर सही ढंग से नहीं टिक पाएगा, तो उसके अंदर डिप्रेशन होना स्वाभाविक है। थर्ड वन इज सुसाइडल थॉट्स। अगर किसी के अंदर सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो गए, मतलब छोटे मोटे डिप्रेशन से भी अगर वो बात करता है अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, ऐसा वो सोचने लग गया है, अगर ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट करता भी है छोटा मोटा, तो भी उसको डिप्रेसिव एपिसोड आ गया है। देन नेक्स्ट इज साइकोमोटर एक्टिविटीज। साइकोमोटर एक्टिविटीज क्या है, अगर जिस किसी भी पर्सन को डिप्रेसिव एपिसोड हुआ है तो उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, कम चलेगा, घूमेगा फिरेगा, लोगों से दूर दूर रहेगा, तो ये एक्टिविटीज है उसकी, ये फिजिकल एक्टिविटीज काफी ज्यादा कम हो जाती है। और किसी की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज काफी कम होना ना, ये डिप्रेशन का ही संकेत है। देख देन कुछ अदर साइकोटिक फीचर्स है उसके बारे में अपन बात करते हैं, लाइक अपैथी, सैडनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, होपलेसनेस, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं डिप्रेसिव एपिसोड के। वर्थलेस, गिल्ट फील करता रहेगा, एंगर बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर, फटीग थका हुआ रहेगा, थॉट ऑफ डेथ, डिक्रीज लिपिडो, डिपेंडेंसी, स्पॉन्टेनियस क्राइम, पैसिवनेस। तो पर्सन है जो पैसिमिस्टिक रहेगा, हर किसी काम के लिए वो नेगेटिव ही सोचेगा, नेगेटिव उसकी थॉट बनी रहेगी। तो ये कुछ थे क्लिनिकल फीचर्स थे डिप्रेसिव एपिसोड के। नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड के ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी क्लास के अंदर अपन ने देखा कि डिप्रेसिव एपिसोड कैसे होता है, इसके क्या क्या कारण है, इडियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ये होता क्या है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।